नमस्कार मित्रों, आपकी आंखें आपके चेहरे का सबसे आकर्षक अंग है। वे आपको दुनिया को देखने में मदद करती हैं। वे मुस्कुराती हैं, हंसती हैं, रोती हैं। जब शब्द विफल होते हैं तो हमारी आंखें ही हमारी भावनाओं और विचारों को खूबसूरती से व्यक्त करती हैं। आपकी नज़र में सबसे खूबसूरत आंखें किसकी हैं? शायद आपकी, क्योंकि यही आंखें हैं जो आपको इस खूबसूरत दुनिया को देखने में मदद करती हैं। वैसे topdens.net की माने तो दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें भारतीय अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन की हैं, लेकिन मेरी नज़र में सबसे खूबसूरत आंखें वो हैं जो मरने के बाद भी किसी की जिंदगी में रोशनी भर रही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी आंखें न होती तो? देखो, सोच कर ही पूरा बदन सिहर सा जाता है, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि एक आंकड़े के अनुसार भारत में लगभग 125 करोड़ लोग दृष्टिहीन हैं, जिसमें करीब 30 लाख व्यक्ति नेत्र प्रत्यारोपण के माध्यम से नवदृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। जितने लोग हमारे देश में एक साल में मरते हैं, अगर वो मरने के बाद अपनी आंखें डोनेट करके जाएं, तो देश के सभी नेत्रहीन लोग एक ही साल में अपनी दृष्टि पा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण है अंधविश्वास। अंधविश्वास, हमारा देश एक धर्म भीरु देश है, जहां यह मान्यता है कि व्यक्ति के मरने के बाद स्वर्ग नरक की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि लोग नेत्रदान करने से कतराते हैं। लोगों का मानना है यदि नेत्रदान कर दिया गया तो फिर स्वर्ग के नज़ारे कैसे लिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ लोग नेत्रदान को अंग भंग की क्रिया मानते हैं। लोगों का मानना है कि अंग भंग वाले लोग मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाएंगे, लेकिन प्रसन्नता का विषय है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ इस तरह के भ्रम धीरे धीरे टूट रहे हैं और लोग नेत्रदान के प्रति जागरूक हो रहे हैं। नेत्रदान कैसे किया जा सकता है? हमारे देश में लगभग 150 से अधिक आई बैंक हैं, जहां पर नेत्रदान का प्रण दिया जा सकता है। यह ऐसी क्रिया है जो पूरी तरह से परिवार के लोगों की रजामंदी पर ही निर्भर करती है, क्योंकि नेत्रदान मरने के बाद ही संपन्न हो सकता है। नेत्रदान से संबंधित कुछ वहम हैं, जैसे नेत्रदान करने से आंखों की जगह पर गड्ढा हो जाता है और चेहरा बदसूरत लगने लगता है। यह बात पूरी तरह से गलत है। जो व्यक्ति चश्मा लगाते हैं वह नेत्रदान नहीं कर सकते, जबकि यह बात भी सही नहीं है। मोतियाबिंद से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते, यह बात सर्वथा असत्य है। बच्चों तथा बुजुर्गों का कार्निया प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता, यह भी एक गलत धारणा है। किसका कॉर्निया उपयोग में नहीं आ सकता? कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस बी, सी, रेबीज या अन्य संक्रमण के रोगियों का कार्निया उपयोग में नहीं लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि लोग नेत्रदान के महत्व व आवश्यकता को नहीं समझते हैं। हम में से बहुत से लोग मरणोपरांत नेत्रदान करना चाहते हैं, किंतु कैसे करें, कहां करें, यह जानकारी न होने के अभाव में वे चाहकर भी अपनी आंखें जरूरतमंदों को देने का पुण्य लाभ नहीं कमा पाते। तो आइए हम सब अपने आसपास के सारे लोगों को नेत्रदान के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि जैसे जल है तो कल है, वैसे ही जीवन का अनमोल वरदान नेत्रहीन को नेत्रदान। हमारा प्रयास, आपका योगदान। धन्यवाद।